और केमचंद प्रजापति। बड़वानी जिले की पलसुद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश किया। लुटेरी दुल्हन के साथ पूरी गैंग कर रही थी काम। शादी का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 युवक और 2 युवतियां गिरफ्तार। अलीराजपुर के युवक से शादी करवाने के नाम पर दिया घटना को अंजाम। शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ दुल्हन मायके लौट आए। फरियादी जब अपनी पत्नी को लेने ग्राम उपला पहुंचा तो जहां उसका रिश्ता तय हुआ था उस मकान में कोई नहीं मिला। ज्यादा जानकारी हासिल करने पर धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया। फरियादी ने पुलिस का सहारा लिया। बड़वानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत एवं एसडीओपी राजपुर के निर्देश में टीम गठित की गई। पलसुद पुलिस ने आरोपियों को ग्राम उपला भाटे से गिरफ्तार किया जो गुजरात भागने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपी अजय, आरोपी बहादुर के साथ शीतल व संगीता को गिरफ्तार किया। आया है सामने, इसमें अलीराजपुर की एक पार्टी थी जिसको अपने बेटे की दोबारा शादी करना थी, उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। किसी मीडिएटर के थ्रू बात हुई कि हम लड़की दिखा रहे हैं और आपकी शादी कर देंगे, तो लड़के वालों ने कहा कि ठीक है हम जो भी कपड़े और जेवर लेना है वो ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हम कपड़े जेवर नहीं लेंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए हम स्वयं ले लेंगे। इस तरह से उन लोगों से 1.5 लाख रुपये ले लिए और एक दिन उन्होंने शादी करी। शादी करने के बाद में लड़की ससुराल गई और वहाँ एक दिन रुकने के बाद में उसने कहा कि मुझे मायके जाना है। उसके परिवार वाले आ गए लेने के लिए, लड़की अपने मायके गई और मायके जाने के बाद में फिर जब ससुराल वालों ने कहा कि 5-6 दिन हो गए अब हम लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं आना है। ऐसे करके कभी 10 दिन 15 दिन 1 महीने का समय मांगा। जब फरियादी पार्टी को शंका हुई कि इसमें कुछ गड़बड़ है, किसी के फ़ोन नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं यहाँ पर आकर देखा तो जिस घर से शादी हुई थी वहाँ से सारे लोग गायब थे। फरियादी पार्टी ने फिर पुलिस को सूचना दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर फिर एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसमें लड़की दिखाकर और उनसे पैसे लेने के बाद में ससुराल में एक दिन रखते थे और उसके बाद में फिर वो फरार हो जाते थे। लोगों से जितना भी पैसा मिल जाता था 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये उतना लेके और वो लड़की की दूसरी जगह शादी करते थे। ऐसा गिरोह भी जिले में कहाँ तक सक्रिय है और अभी और कुछ जाँच चल रही है? हाँ, ये इसमें लगातार जांच चल रही है कि आगे इन्होंने कहाँ कहाँ लड़कियाँ सप्लाई करी हैं। ये लड़की को दिखाते हैं, एक दिन रखते हैं, पैसे लेके वापस आ जाते हैं, तो बेशक इन्होंने अन्य जगह पर भी जहाँ लड़कियों की आवश्यकता है शादी की। पलसुद से ओम प्रकाश गोले की रिपोर्ट।